दिख रहा मुझे। बेटा रीकनेक्ट कर लो, स्क्रीन नहीं शो कर रहा है, रीकनेक्ट कर लो। देखो टू फिफ्टी, बताओ कितना आएगा आंसर। 1000 को अगर डिवाइड करेंगे 200 से तो कितना आएगा? फाइव फाइव आएगा। सी फाइव अब देखो टाइम्स का हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो ये पूरा लेस हो जाएगा पूरा। अब इसका रेशियो देखो, स्टोर्स पहले एक्स वाई जेड का रेशियो देखो, एक्स का रेशियो कितना है 50, तो 50 × 5 कितना हो जाएगा 250। सेम इसका रेशियो कितना था, 6 था, तो 250 × 6 कितना हुआ 300। और इसका 5 × 40 200 यहाँ पे। ये देखो ये ना एक्चुअली टाइम स्टोर्स का मेंटेनेंस का पहले लिखा था मैंने रेशियो ये। फिर 30 देखो, ये हो जाएगा 150 और इसका हो जाएगा ये 100। चाहो तो इसकी रेशियो को हम चेंज कर सकते हैं लिखने के टाइम पूरा। किसी को डाउट है इस वैल्यू में? नो मैम। नेक्स्ट देखो, ये तो हमने टाइम डिपार्टमेंट का किया, तो ये देखो ये जो 1000 था ये पूरा का पूरा माइनस हो गया, तो यहाँ पे ना क्या हो गया, ये निल हो गया, क्योंकि हमने यहाँ का पूरा 1000 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब टाइम के बाद किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है क्वेश्चन में देखो, टाइम डिपार्टमेंट के बाद स्टोर्स की बात आई है, तो लिखेंगे स्टोर्स डिपार्टमेंट का माइनस करेंगे। तो देखो ये टाइम तो ऑलरेडी निल हो चुका है, ये जीरो हो चुका है। अब स्टोर्स में कितना अमाउंट है टोटल करो, स्टोर्स में देखो अब कितना अमाउंट है, यहाँ देखो टोटल करो, टू टू वन थाउजेंड फाइव वन जीरो फिफ्टी यहाँ पे कितना है 3100, यहाँ पर कितना हुआ 4250 6300, और ये हो गया 3200। अब देखो अब ये जो 2150 है इसको हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? ये 2150 को देखो, स्टोर्स के जो एक्सपेंसेस हैं मेंटेनेंस में देना है 10%, तो स्टोर्स कितना है 2150, तो 2150 का 10% देना है मेंटेनेंस में, तो कितना दोगे 2150। फाइव ठीक नेक्स्ट देखो, एक्स में कितना देना है 20%, तो 2150 का 20% कितना होगा 430। सेम इसमें कितना देना है आपको 40%, तो 860 हो जाएगा, और इसमें देना है 30%, 30% कितना हो जाएगा 645। यहां तक डाउट किसी को? अब देखो ये स्टोर्स भी पूरा का पूरा क्या हो गया, निल हो गया। चलो टोटल करो, यहां तो ऑलरेडी निल हो चुका है, देखो स्टोर्स भी निल हो चुका, ये कितना हो गया टोटल देखो 3315, इसका टोटल आ गया 4250 + 430 का टोटल करो। फोर मैम 4680 सिक्स जीरो इसका टोटल करो 7160, इतना ही आ रहा है। यस मैम। अब देखो अब स्टोर्स के बाद किसका देना है, टाइम हो गया स्टोर्स हो गया, अब किसका देंगे देखो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट किसका देगा देखो,
ये 30% देगा सर्विस डिपार्टमेंट टू एक्स। तो देखो अब यहाँ पे मेंटेनेंस का लेंगे अपन, ये 3315 तो एक्स में कितना देना है 30%, तो 3315 का 30% निकालो। बताओ मैम 994.5 994.5 ठीक है। अब इसमें देखो 50% दिया है, तो 3315 का 50% 1657.5 और इसका कितना हो गया, इसमें दिया है 20%, तो 20 कितना हो जाएगा 663। अब टोटल करो, देखो ये भी निल, आप लोग निल मत करना, आप लोग ना यहाँ पे क्या होता है देखो एक्सेल शीट ना डायरेक्ट अपडेट लेती है, तो जैसे अपन ये 1000 माइनस कर रहे थे सपोज, है ना, तो आप लोग इसमें क्या करना, माइनस का साइन देना ब्रैकेट में, या मैं तो ब्रैकेट दे रही हूँ, आप लोग ब्रैकेट लेना, माइनस का साइन देना और 1000 लिखना, ऐसे आ रहा है समझ में। सेम इसमें करना, ये 2150 जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसमें ब्रैकेट लेना, माइनस 2150 करना, आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ। यस मैम। सेम इसमें ये ब्रैकेट लेना, माइनस 3315 ऐसे करेंगे आप इसको, तभी ये देखो ये निल निल वाला आएगा इसमें, है ना, ये ब्लैंक होते जाएगा सब कुछ, ये मैं निल हटा रही हूं ना, अभी आपके समझने के लिए लिखा था मैंने। अब इधर देखो, अब देखो टोटल करो, ये इसका टोटल करो 4680 और 995 का टोटल करो। मैम 5675 और इसमें टोटल करो मैम 4508। बस स्टेप लेटर में क्या होता है, स्टेप वाइज जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं उसके अमाउंट को प्रोडक्शन में डालते जाते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं इसमें, आया समझ में। देखो और इसका नाम स्टेप लेडर क्यों किया, अब इसका एक बताती हूँ, ये यहां से देखो, जब यहां पे ये पोर्शन जब ब्लैंक हुआ, ये वाला ब्लैंक हुआ यहां पे, ये वाला पोर्शन देखो ठीक, फिर कौन सा पोर्शन ब्लैंक हुआ, ये दो पोर्शन ब्लैंक हुआ, फिर ये थ्री पोर्शंस ब्लैंक हुए, देखो समझोगे तुम लोग अगर, ये देखो ये जो मैंने आउटलाइन ली थी यहां पे, ये वाली देखो, ये फर्स्ट पहले ये एक थी, यहाँ पे मैंने ब्लैंक किया उसके पहले एक आउटलाइन दी, अब यहाँ पे ये दो खाली हुए इसलिए ये लाइन दी, फिर यहाँ पे देखो ये तीन खाली हुए, तो देखो ये सीढ़ी के शेप में खाली हो रहा है, मतलब ऐसे ब्लैंक चढ़ते हैं ना अपन फर्स्ट सेकंड और ऐसे थर्ड, इसलिए इसका नाम दिया था स्टेप लैडर सिस्टम, कि ये सीढ़ी के शेप में खाली होता है, अदरवाइज इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है स्टेप लैडर के नाम से, आया समझ में। यस मैम। बस आपको एग्जाम में ये लाइंस बनानी है, देखो ये फर्स्ट बनाना, फिर ये दो की बनाना और ये तीन की, ये पूरा मत लेना जैसे मैंने यहाँ पे गलती से ले लिया, आप लोग ये लेना फर्स्ट, फिर ये दो लाइन लेना और यहाँ पे ये तीन पे एक लाइन लेना, तो ये एक सीढ़ी का शेप बनता है, इसलिए इसका नाम है स्टेप लैडर। अब आपकी बुक में ना एक क्वेश्चन देखो, मैथड्स में आप लोगों को बताई थी, ये देखो कल वाले पे ना एक मैथड और ऐड करो, तीन मेथड्स के नाम लिखवाई थी ना मैं आपको, एक स्टेप लेटर लिखवाया था, एक साइमल्टेनियस लिखवाया था, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लिखवाया था,
याद आया है सबको? यस मैम। ये सब किसके टाइप थे? ये तीन एक मेथड है उसके टाइप थे, जिसका नाम था इंटर डिपार्टमेंटल अपॉर्शनमेंट मेथड। लिखो उसका नाम। ये देखो, ये जो सेकेंडरी में साइमल्टेनियस रिपीटेड और स्टेप लेडर लिखवाए थे, जो सर्विस से प्रोडक्शन में जाता है, तो ये कौन से मेथड के नाम है? सॉरी, देखो ये एक मेथड था, ये उस मेथड के अंदर ये तीन आते हैं। उस मेथड का नाम लिखो इंटर डिपार्टमेंटल है ना, अपॉर्शनमेंट मेथड। इसको हिंदी में लिखोगे अंतर विभागीय अभिभाजन पद्धति, अंतर विभागीय अभिभाजन पद्धति। लिखा मेथड का नाम। लिखा मेथड का नाम लिखा सबने? यस मैम। देखो ये जो तीनों मेथड है ये इस मेथड के अंदर आते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल। ठीक है, ये था एक मेथड। एक और मेथड है, इसके पहले लिखोगे डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल। ऊपर वाला डिसेंडिंग है और अभी इसके पहले जो लिखा वो इंटर डिपार्टमेंटल था, है ना। डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल अपॉर्शनमेंट मेथड, मेथड नहीं लिखवा रही हूँ। देखो ये समझो ए है और ये है आपका बी, और बी के अंदर ये तीन मेथड है। ए है डिसेंडिंग, इसका सिंगल ही एक मेथड करेंगे। बी जो इंटर डिपार्टमेंटल है उसके तीन मेथड है, साइमल्टेनियस रिपीटेड और स्टेप लैडर सिस्टम। ए को हिंदी में लिखो अवरोही विभागीय अविभाजन पद्धति, अवरोही विभागीय अभिभाजन पद्धति। बी वाला था अंतर विभागीय है और उसके पहले वाला था अवरोही विभागीय, ये वाला। अब आप लोगों के बुक में क्वेश्चन देखो दिया होगा, एग्जाम्पल देखो, इलस्ट्रेशन 3 देखो। एक्स की अमाउंट 15,000 दी होगी और वाई की 11,000। देखो क्वेश्चन, देखो सबके बुक में है ये क्वेश्चन। इस मेथड के अंदर देखना है ना, डिसेंडिंग के अंदर, ए के अंदर। मिला क्वेश्चन? मैम एक्स की अमाउंट 15,000 वाई की 11,000 के वाली। एक सेकंड, हाँ ठीक है। और क्वेश्चन में मेथड देखो, कौन से मेथड से बनाने बोला है? डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल से बनाने बोला है, अवरोही विभागीय अभिभाजन पद्धति में। देखो टाइम का 8,000 दिया होगा, स्टोर का 10,000 और मेंटेनेंस का 6,000। यस मैम, है ना, है ना। सबको मिला बुक में? किसी को नहीं मिला क्या? Thank you.
मिल गया सबको क्वेश्चन कि किसी एक दो को ही मिला है? अलका, गजाला, जिज्ञासा, मोनिका, बेटा बताओ मिला क्वेश्चन सबको? नहीं मिला मैम। नहीं मिल रहा, रुको मैं शेयर कर रही हूँ। अब देखो ये वाला जो चार्ट रहता है ना, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना सीखो। जैसे टी का देखो पूरा दे दिया है, हमको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना होता है कि सर्विस के अमाउंट को इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। तो देखो एक्स का अमाउंट कितना दिया है, 15,000, वाई का दिया है 11,000, टी में दिया है देखो 8,000, इधर 10 और यहाँ पे दिया है 6। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं टाइम वाले से, देखो टाइम से अगर मैंने स्टार्ट किया, टाइम में कितना है देखो 8,000, अगर मैं उसका 8,000 माइनस कर रही हूँ ठीक, तो कौन से रेशियो में करूँगी टाइम का, ये देखो, क्योंकि ये देखो 8:4:4:2 इसमें करूँगी, देखो 8:4:2:2 टोटल करो, टोटल करो 800, 400, 400 और 200 का, 8 और 4 कितना होता है 1200, 12 और 4 16, 16 और 2 अरे बताओ 18। अच्छा ये वाला ना 600 है, एक सेकंड, ये 600 है, तो ये कितना हो गया 2000 हुआ, 18 नहीं ये हो जाएगा 2000 ठीक। तो 8000 को डिवाइड करोगे किससे, 2000 से, तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 × 8 करो 3200। सेम यहां पे करके देखो 4 × 6 2400, ऊपर वाला 8000 तो माइनस कर दिया पूरा, 4 × 2 नहीं आ रहा है समझ में, पता नहीं आ रहा है समझ में, कहां पे नहीं आ रहा है समझ में, किसी को भी नहीं आ रहा है, अरे बताओ, सिर्फ क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे देखो हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं ये हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हम जो सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट होता है, ये सर्विस डिपार्टमेंट के अमाउंट को हम किसको दे देते हैं, प्रोडक्शन वाले को दे देते हैं। इतना समझो कि जो सर्विस का अमाउंट है हमको किसको देना है, प्रोडक्शन को देना है। आगे नेक्स्ट, जैसे ये स्टोर्स दिया है तो स्टोर्स वाला देखो, यहाँ स्टोर दिया हुआ है तो स्टोर्स वाला ये स्टोर्स के इस बेस पे डिवाइड होगा। फिर जैसे ये मेंटेनेंस दिया है तो मेंटेनेंस अपन किस चीज की करते हैं, मशीन की करते हैं, बताओ मेंटेनेंस किसकी की जाती है, मशीन की जाती है। यस मैम। मेंटेनेंस के अमाउंट को हम किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मशीन के। वैसे ही देखो स्टोर्स के लिए स्टोर्स दे दिया है, और जो टाइम है, जो एम्प्लॉयज है वो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये समझ लो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो देखो ये हो गया बेस इसके डिवाइड करने का, स्टोर्स का स्टोर्स में देंगे, मशीन का मेंटेनेंस में देंगे, और टाइम किस पे देंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है कोई? अब इसके बाद का मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी।